कोलकाता दे विच दरिंदगी का जो पूरा मामला जिस दे विच एक ट्रेनी डॉक्टर का कतल कर दिता गया, रेप तो बाद बहुत ही दरिंदगी दे नाल कतल की वारदात को अंजाम दिता गया। तो उस पूरे मामले विच सुप्रीम कोर्ट के वल्लों सिउ मोटो लिया गया, खुद नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने। और काबले गौर है कि इस पूरे मामले च CJI दी बेंच सुनवाई करेगी मंगलवार को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ उन्हां दी अगवाई वाली बेंच इस पूरे मामले सुनवाई करेगी। काबले गौर है कि बेंच दे विच CJI तो इलावा जस्टिस JB पारधीवाल ते मनोज मिश्रा भी शामिल होणगे। हुण इस पूरे मामले च की किया जांदा है, बहुत सारे तरह के तथ्य इस समय निकल के सामने आ रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि जिस ट्रेनी डॉक्टर दे नाल इस हैवानियत को अंजाम दिता गया वो कुछ खुलासे करने वाली सी, कोई जिहड़े ह्यूमन ऑर्गन्स ने उन्हां नूं लैके कोई तस्करी हुंदी है उस नूं लैके कोई खुलासा किया जाना सी। इस तरीके दीआं वी चर्चावां खूब इस समय चल रही ने तां कि उस लड़की नूं टारगेट करके इस तरीके नाल मौत दिती गई। बहुत सारे मामले दे विच सवाल उठ रहे ने, पर इह वी तुहानूं दस दईए कि CBI इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। CBI लगातार विजिट कर रही है, उत्थे CBI दी टीम ने सारे सबूत इकट्ठे करन की कोशिश की है। एक मुलजम हुण तक इस पूरे मामले गिरफ़्तार किया गया है और ये भी लगातार मंग हो रही है कि जिहड़े होर मुलजम ने या होर कौन कौन उस दे विच शामिल से वो भी तथ्य निकल के सामने आउण। तो कोलकाता दे विच RG कर मेडिकल कॉलेज दे विच ये पूरा घटनाक्रम वारदात को अंजाम दिता गया सी। दरिंदगी के खिलाफ गुस्सा देश भर दे विच है, डॉक्टर्स लगातार इस पूरे मामले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो हुण मामले सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होगी मंगलवार। हुण अगे वधदे हां ते इसी मामले नाल जुड़िया होया मामला है जो कोलकाता दे विच होया। उस तो बाद गुस्सा सिर्फ डॉक्टर्स दे विच नहीं है बल्कि पूरे देश दे विच है, लोगों के अंदर है कि आखिर किवें औरतों नूं या महिलावां नूं लैके इस तरीके नाल कोई घटनाक्रम नूं अंजाम दिता जा सकदा है। उधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मैंबर हरभजन सिंह होरां दे वल्लों भी एक बयान जारी किया गया, एक ओपन लैटर लिखी गई है कि उन्होंने कोलकाता दी निर्भया दे लई इंसाफ की मांग की हरभजन सिंह ने। तो एक तरीके डॉक्टरों की हड़ताल का समर्थन भी भज्जी के वालों किया गया। काबिले गौर है कि हरभजन सिंह ने एक ओपन लैटर लिखी है, उन्होंने पश्चिम बंगाल की CM ममता बैनर्जी CBI आम लोगों के नाम ये ओपन लैटर लिखी तो कहा कि एक हफ्ते बाद भी कोई ठोस कार्रवाई इस पूरे मामले नहीं हुई, कोई ठोस कार्रवाई ना होने करके डॉक्टरों के काफ़ी रोस है। भज्जी कहते हैं कि दोषियों को सख्त सजावं मिलनिया चाहिए ने, दोषियों को अजिही सज़ा मिले जो एक मिसाल बन जाए। एक ओपन लैटर लिखी गई है हरभजन सिंह के वालों, इंडियन क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम हरभजन सिंह मौजूदा समय के राज्यसभा के मैंबर ने और वक् वक् इशूज के उत्ते अगे भी हरभजन सिंह अपनी गल रखते रहे हैं। पर जे असी कोलकाता के पूरे इशू की गल करिए बहुत खुल के ओपन लैटर के डायरैक्टली कहते नजर आए हैं कि एक हफ्ता हो गया होया कि कोई ठोस कार्रवाई हूँ तक नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि कोलकाता रेप मर्डर की घटना ने सू संजोड़ के रख दिता है, पीड़ितों को जल्द तो जल्द इंसाफ दिता जाना चाहिए। हमारी देश की बेटी के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और उसको इंसाफ दिलाने के लिए मुझे लगता है हम सबको एकजुट होके सामने आना चाहिए और इसको कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मेरा सब उन अधिकारियों से उन सब लोगों से एक विनती है कि जल्द से जल्द इस बच्ची को इंसाफ मिले क्योंकि उसने तो अपनी जान दे दी। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई भी ऐसा काम हो जिसके कारण हमारा सर जो है वो शर्म से झुक जाए। हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहाँ पे हम मिलजुल के रहते हैं, बट ऐसी घिनौनी हरकत का करने वालों को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। मैं ममता दीदी से, वहाँ के गवर्नर साहब से और भी बड़े पद अधिकारियों से, नरेंद्र मोदी साहब से, राष्ट्रपति जी से और जितने भी और देश के बड़े नेता हैं सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये वो समय है जब हम सबको इकट्ठा होके एक ऐसा असूल नियम बनाना चाहिए जहाँ पे आने वाले हर ऐसे समय में ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले के जहन में ये चीज़ रहे कि अगर ऐसा वो सोचते भी हैं तो उसका अंजाम क्या होगा। हाल में कलकत्ता में